प्राण शब्द के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है पर हम इसे बुनियादी ऊर्जा कह सकते हैं जिसे हम जीवन ऊर्जा कहते हैं वही प्राण है प्राण दस अलग अलग रूपों में शरीर में मौजूद है पर समझने के लिए हम बस पांच पर ध्यान देंगे इन पांचों को या पंच कहते हैं। ये वायू, समान वायु उदान वायु अपान और व्यान है देर इन चार्ज ऑफ डिफरेंट डायमेंट है इनका काम मानव तंत्र में मौजूद विभिन्न आयामों की देखरेख करना है अगर इस विषय की गहराई में जाएं तो वो अंतहीन हो जाएगा मैं कम से कम शब्दों में इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं देख रेख करना यानी यम मतलब नियंत्रण करना प्राणायाम मतलब वो विधि जिससे आप इन पांचों को कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि आपका शरीर कैसे काम करता है आपका मन कैसे काम करता है पूरा शारीरिक ढांचा कैसा है यह तंत्र कैसे काम करता है यह प्राण ऊर्जा से तय होता है यह एक ऊर्जा है यह एक बुद्धिमान ऊर्जा है यानी इसमें एक खास मात्रा में याददाश्त है हर इंसान के कर्मों की याददाश्त इस ऊर्जा पर छपी होती है तो हर इंसान में प्राण अलग तरीके से काम करता है हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल अलग ये ये बिजली की तरह नहीं है बिजली स्मार्ट नहीं होती उससे रोशनी होती है रोशनी का बल्ब और कैमरा चल सकता है इससे एयर कंडीशनिंग चल सकती है यह लाख चीजें कर सकती है पर अपनी बुद्धि के कारण नहीं ये एक ही काम करती है हमेशा किसी विशेष उपकरण के कारण एक निश्चित चीज होती है पर मैं आपको बता रहा हूं यह भविष्य में होगा कि आपके पास स्मार्ट बिजली हो सकती है ये बहुत दूर नहीं है अगले पचास वर्षों में आपके पास स्मार्ट ऊर्जा हो सकती है जो एक विशेष तरीके से व्यवहार करेगी आप उससे खास तरीके का व्यवहार करवा पाएंगे क्योंकि आप उस पर याददाश्त छाप सकेंगे so, तो ये एक बुद्धिमान ऊर्जा है इसमें एक निश्चित मात्रा में छाप है इस वजह से ये हर व्यक्ति में अलग तरीके से काम करती है तो प्राणायाम का एक बहुत विशेष रूप वो होता है जिसमें हम विशेष रूप से किसी व्यक्ति के लिए कुछ डिजाइन करते हैं क्योंकि वो एक अलग इंसान है उसके लिए उस स्तर पर आने के लिए एक सामान्य प्राणायाम जरूरी है जो पांचों वायुओं का ध्यान रखेगा अगर इन पांचों वायुओं पर महारत हो तो शारीरिक बीमारी या विशेष रूप से मानसिक बीमारी हो ही नहीं सकती अगर कोई अपने प्राणों को अपने हाथों में ले, ले लेता है तो बाहरी वातावरण जो भी हो जो भी कंपन, तरंगे भावनाएं या दूसरे कोई भी दबाव हो कोई फर्क नहीं पड़ता उस व्यक्ति के मानसिक संतुलन की 100 प्रतिशत गारंटी है जो अपने प्राणों को संभाल लेता है संतुलन से मेरा मतलब है शायद डॉक्टर आप में से ज्यादातर लोगों को असंतुलित नहीं बताएंगे पर कई लोग मानसिक रूप से असंतुलित हैं मान लीजिए आपका हाथ ऐसा है मान लीजिए कि यह हाथ अभी उछलने लगे और आपकी आंखों में उंगली डालकर आपको खरोचने और पीटने लगे अगर आपका हाथ ऐसा करे तो यह बीमारी है है ना कम से कम आपका हाथ बीमार है Let's चलो मैं पूरे व्यक्ति को दोष नहीं दूंगा कम से कम आपका हाथ तो बीमार है है ना ज्यादातर लोगों का मन बस यही कर रहा है हर दिन यह आपको अंदर से खरोंचता है रुलाता है बामला बनाता है चिंता देता है दुख की कई किस्मों में यह कई बार आपकी अपनी आंखें नोच लेता है कैसा नहीं है इट इज सिक ये बीमार है शायद समाज इसे स्वीकार ना करे पर ये बीमार है तो जो अपने प्राणों को अपने हाथों में ले लेता है वो सौ प्रतिशत भरोसा कर सकता है कि उसका मानसिक संतुलन बना रहेगा आप उसे नहीं हिला सकते शारीरिक संतुलन भी होगा पर शारीरिक बीमारियां कई कारणों से हो सकती हैं एक बात है इंफेक्शन और दूसरे सूक्ष्म जीव जो जीना चाहते हैं हाँ, वो जीना चाहते हैं एक और चीज है विभिन्न प्रकार के रसायन और जहर जिन्हें हम जाने अनजाने में निगल सकते हैं और उससे कई चीजें हो सकती हैं तो शारीरिक बीमारियां मैं कहूंगा कि 90 प्रतिशत तक गारंटी है कि ऐसा नहीं होगा लेकिन मानसिक खुशहाली की 100 प्रतिशत गारंटी है अगर आप मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक हैं तो दस प्रतिशत शारीरिक समस्याएं कोई समस्या नहीं होती वो कोई समस्या ही नहीं है ज्यादातर समय शरीर में जो छोटी मोटी चीजें होती हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता आपके मन में जो प्रतिक्रिया होती है वही समस्या है है ना हा है ना तो प्राणायाम मतलब आप बुनियादी ताकतों को अपने हाथों में लेना चाहते हैं जैसा कि मैंने कहा उनमें अपनी बुद्धि है उन सभी में जन्म के दौरान गर्भधारण के बाद वो नवजात शिशु में जैसे प्रवेश करते हैं और वो अमृत शरीर को जैसे छोड़ते हैं इससे साफ पता चलता है कि उनमें अपनी एक बुद्धि है जब तक आप इस बारे में बहुत सचेत नहीं होते तब तक आप इस पर ध्यान नहीं दे सकते अगर आप मुझसे पूछें तो यह अपने आप में एक दुनिया है इसके लिए एक खास का ध्यान देना होगा शायद ध्यान शब्द से बात स्पष्ट ना हो मैं ध्यान शब्द का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि दूसरे शब्दों के गलत अर्थ लगाए गए हैं जागरूकता वगैरह शब्दों के गलत अर्थ लगाए गए हैं तो मैं ध्यान शब्द का उपयोग कर रहा हूं पर ध्यान शब्द से साफ पता नहीं चलता कि क्या जरूरी है सिर्फ मानसिक सतर्कता काफी नहीं है आपको वाकई ध्यान देना होगा अगर आप खुद को ऐसा बना लें तो आप जान जाएंगे कि ये पाँचों कैसे काम करते हैं